गाइस हम है गोवा में, मेरे सामने यहाँ पर है समंदर, पीछे है बीच, और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अनूठा चैलेंज जो कि है 24 आवर्स ऑन बीच चैलेंज। गाइस हम लोग 24 घंटे के लिए बीच पर रहेंगे। हम लोग जमीन पर नहीं जा सकते, रोड पर नहीं जा सकते, या तो बीच पे या फिर आगे समंदर में जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। पूरा दिन और पूरी रात और 24 घंटे निकालना मुझे नहीं लगता इतना इजी होने वाला है, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। भाई हमारा टाइम तो जैसे ही हम बीच के ऊपर आए हैं वैसे शुरू ऑलरेडी हो चुका है। अब सही बताऊं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां तक कुछ नहीं है, यहां तक कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ पानी की बॉटल्स भी हैं गाइस यहां पर, जो कि हमारे काम आएंगी इस चैलेंज के अंदर। और मैं तो जा रहा हूँ सूखी मिट्टी में, यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा बैठूंगा भाई। और मेरे पास धूप से बचने के लिए टोपी है। अच्छा लग रहा है बीच के लिए पैदा हूँ। मर जाए पानी लग जाए कुछ भी। भाई गर्मी हो गई है बहुत तेज। गर्मी सबसे पहले तो समुद्र देव है, उसको एक बार नमस्कार कर लेते हैं भाई। जय हो समुद्र देव भगवान की। इस दुनिया में कितना पानी होगा ऐसे देख के लगता है, इसमें कितना पानी होगा, कहाँ तक भरा होगा। बात तो सही है। क्या लिख दिया बबलू? कुछ लिख रहा, जल्दी दिखा जल्दी दिखा। क्या लिखा था? ये भी लिखा है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या भाई? सब नाम लिख रहे हो, मिटा रहे क्यों मिटा रहे हो? क्या लिखा है ऐसा? अरे वो गाली वाली लिख दी थी कुछ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर तुमने आई लव गोवा लिखा होता ना तो तुम मिटाते नहीं। लेकिन क्या पकड़ लिया? केकड़ा। क्या जिंदा केकड़ा है? सॉरी इसमें तो सही। अरे केकड़ा नहीं है ये, सांस तो नहीं घुट जाएगा इसका, इसका दम तो। चलो यार पागलो, पकड़ लिया मोहित यार। हम तो डूबेंगे सनम। गाइस यहाँ से काफी दूर उस साइड में लगभग मेरे को 1.5-2 किलोमीटर या हो सकता है ज्यादा भी हो, वहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं कुछ पैराशूट उड़ते हुए। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो रही हो, लेकिन वो रास्ता बड़ा दूर है, हमको बीचों बीच जाना पड़ेगा। मतलब बीचों बीच यानी बीच कहना क्या चाहते हो? बीच पे से चल चल के जाना पड़ेगा पूरे बीच से। भाई अभी हम सामान पैक कर रहे हैं ताकि वाटर स्पोर्ट्स वाली चीज पर जा सके, अगर मिलता है तो वहाँ पे। लेकिन यार यहाँ पता है बहुत दूर है और दूर दूर तक कोई नहीं है। और गाइस ये लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है और टी शर्ट निकाल दी है मैंने। भाई हम लोग निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए, पता नहीं कितने किलोमीटर है, और समंदर में कोई चीज़ अगर दूर दिखती है ना तो वो और दूर होती है। अरे वेस्ट पानी को तो दिख ही नहीं रहा। बाबा बेर किसने नहीं बोला था क्या पानी बचाओ? मेरा खुद का पसीना आंख में जा रहा है, तो जल जलाहट हो रहा है। भाई लगभग 40 मिनट से 45 मिनट का रास्ता धूप में तय करने के बाद में फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे वो पैराशूट उड़ रहा था और वो चीज़ हो रही थी। और यहां पर काफ़ी लोग भी हमें मिले हैं। इधर पे अगर आप देखोगे तो झंडियां वंडियां लगी हैं, काफ़ी लोग हैं वहां तक हैं। तो गाइज हम लोग आते हैं, कपड़े पहन के आ जाओ। तो गाइज हम लोग हैं तैयार अपने कपड़ों में, और ये हैं बीच पे पहनने वाले कपड़े। गाइज ये हम जो है लेके आए थे, सब लोग जो है अपनी अपनी ड्रेसेस चेंज कर चुके हैं। और अब टाइम है, वाटर स्पोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, पैराशूट में जो है हम ऊपर उड़ सकते हैं हवा में, साथ ही साथ में बनाना राइड होती है, और क्या क्या होता है, जेट्स की राइड होती है, और फिशिंग। तुम लोग गांव से आए हो क्या? तुमको कुछ नहीं अभी देखा नहीं है ना कर। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? चलो गाइस अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स गो। तो भाई हम लोग थोड़ा सेफ्टी वगैरह पहन रहे हैं अभी। तो भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम करेंगे कई सारी एक्टिविटीज, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पैराशूट से उड़ेंगे, उसके बाद में हम लोग जेट स्की चलाएंगे, उसके बाद में हम लोग बनाना राइड करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे चौथा? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। भाई ये रस्सी जो है ना मेरे को ऊपर उड़ाएगी, और वहाँ इस बोट से जो है रस्सी बंधी हुई है, उस वाली बोट से।
जो कि ऑलरेडी अरे बहुत दूर है वो वाली, देखो वो बोट है वहाँ पे। ये पैराशूट जो है ये ऊपर उड़ता है और इसके नीचे मैं लटकूंगा भाई साहब। ऐसे ऊपर से पकड़ूं नीचे से भाई? ऊपर से पकड़ लेते ना। बताओ मेरे को, ओ भाई उड़ने ही वाला हूँ मैं तो, बोट खींच ही रही है मेरे को भाई, बंद गया मैं। चल टेक अप टेक अप टेक अप टेक अप टेक अप छोटे। और भाई साहब अभी जो है और उड़ गया मैं तो भाई, और मैं तो हवा में आ गया। ओ गाइस, ओ गाइस, हवा में लटक गया मैं। और नीचे है समंदर, ये देखो भाई पूरा समंदर है। और पता है एक बोट जो है वो मेरे को उड़ा रही है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। वो देखो वो बोट है, मैं उससे बंधा हुआ हूँ और मैं सारा नज़ारा देख सकता हूँ, सारे बीचेस जो है वो देख सकता हूँ। और गाइस मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लुक एट इट। इस पैराशूट जो है इसके सारे ही हम ऊपर लटके हुए हैं। और ये देखो ये है भाई बीच का नज़ारा इधर से, ये है बीच का व्यू पूरा, ये आप देख सकते हो गोवा का व्यू। इधर से लहरें आ रही हैं, इधर से लहरें आ रही हैं, और वो बोट है सामने छोटी सी दिख रही है भाई एकदम। और अब ये कह रहे हैं कि अब ये लैंडिंग कर रहे हैं भाई, मैं तो एकदम से गिर जाऊंगा नीचे, अब हम नीचे जा रहे हैं। ये देखो ये मेरी टांग जो है ऐसे हवा में ही एकदम हवा में लटक रही है भाई। और अब हम उतर रहे हैं नीचे, और ये भाई पकड़ने के लिए रेडी। और भाई इसको छोड़ो, आप छोड़ो इसको छोड़ो, क्या जाओ बाहर जाओ जाओ भाई। गाइस ये क्या था? ओ भाई साहब ऊपर लटक के आ चुका मैं भाई पूरा का पूरा। और गाइस ये देखो ये पैराशूट था भाई, और पता है मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरा मन कर रहा था चिल्लाने का, लेकिन मेरे माइंड से निकल गई, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। और ये गया मोहित, वो गया मोहित, ये देखो पैराशूट के साथ में गया मोहित भाई साहब। भाई साहब ये चैलेंज में मजा रहा है गाइस, अभी मोहित तो है देखो कितना दूर ले जाते हैं भाई वो। और भाई अब जाएगा बबलू इस पैराशूट में, मोहित तो जाके आ चुका है। ये पैराशूट है भाई, इसके ऊपर गोवा लिखा हुआ है पीछे। अरे मस्ती दे दो, इतनी खुशी है मुझे। बबलू गया, बबलू गया, बबलू गया ऊपर। गाइस अब मेरी बारी है, ये चिल ब्रो चिल। गाइस करतार को लग रहा है डर, और करतार जो है वो ऊपर नहीं जा रहा। करतार क्यों नहीं जा रहा तू ऊपर उड़ने? नहीं जा रहा भाई, भाई करतार को डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे तो। ये मना कर दिया तो इसकी बारी वेस्ट होगी, इसलिए मैं एक बार फिर से जा रहा हूँ भाई उड़ने। भाई मेरे को तो बड़ा मजा आ गया, दो बार दूसरी बार जा रहा हूँ इस बार। तो गाइस अब बारी है जेट स्की की, अब जेट स्की करेंगे हम सब लोग और देखते कैसा मजा आता है इसमें। भाई राहुल जा रहा है अभी जेट स्की चलाने के लिए, वो देखो इसको बीच में छोड़ आना इसको, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ये बाइक जैसी लग रही है भाई ऐसे देखने में तो, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाइक है वो। भाई बहुत तेज चल रही है, जेट स्की लेके आ चुके हैं पानी के अंदर, बहुत तेज चल रही है देखो। भाई मैंने जेट स्की चला ली समंदर में। बहुत भयंकर नमक घुस गया, आंखें नहीं खुल रही मेरी, अरे नमक नहीं खुल रही, आंख फूट गई मेरी भाई। भाई अब हम लोग करेंगे रिंगो, इसको रिंगो बोलते हैं। ये छोटी सी बोट है जिसमें हवा भरी हुई है, सामने ये जो बोट है ये हमको खींच के लेके जाएगी। और ओ,
भाई मुझे 2 मिनट की मौत चाहिए, उसके बाद मैं वापस जिंदा होना चाहता हूँ। भाई डर तो लग रहा है, और अमित ने और विकास ने उड़ा दिया। भाई अब हम लोग करेंगे बनाना राइड। तो भाई सारे लोग आ चुके हैं बनाना राइड में, देखो ये मेरे बीच बैठे सारे। शुरू में प्यार से चलना, ये बोट हमको खींच के लेके जाएगी। हम इसमें जा रहे हैं समुद्र में पड़े रहेंगे, मस्त मस्त रहना, कुछ नहीं होगा। मुझे अपने घर जाना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा भाई। करतार की पटरी है बहुत। भाई ये लोग बनाना पे चढ़ रहे हैं दोबारा से। भाई कैसे गिरेंगे एक बार और? ओ भाई घूम गई, घूम गई, बोट घूम गई। अरे मेरा माथा फूट गया मेरा। अरे मैं किस में ठुकाऊं, मेरा माथा ठुका बहुत है मेरा। तेरी कमर में टिकी, मेरा तो माथा फूट गया। जन्म में ऊपर ही गिर गो भाई। ये चैलेंज हो गया मजेदार, लेकिन बहुत ज्यादा थक गए, अब लगी है भूख। और यहाँ बीच पर है बहुत सारे रेस्टोरेंट टाइप, तो हमको कहीं नहीं जाना, बीच पे खा सकते हैं। चलो लेकिन बाहर चलते पहले। गाइस अभी सनसेट हो रहा है और हम लोग बीच पे हैं जहाँ सनसेट होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या नजारा है, ये देखो। और भाई जो सूरज है वो आप लोग देखो कैसा दिख रहा है भाई, जस्ट डूबने वाला है, समंदर की गहराइयों में सूरज जाने वाला गाइस। और सनसेट बस जस्ट होने वाला है कभी भी, वहाँ पर है सूरज। तो भाई अभी अंधेरा हो चुका और हमने खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है कुछ वेज चिली पनीर टाइप में है, चिली पटेटो है भाई। यहाँ पर है मैगी, ये है इसको क्या बोलते हैं, पनीर टिक्का। ये है गाइस पनीर टिक्का, और ये है एक और मैगी। तो हमने सारी वेज चीजें मंगवाई है यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो ये वाली चीजें। भाई एक मछली मिली है इन लोगों को, बबलू। अब बबलू पागल है क्या तू, कहाँ है मछली? अरे मरी हुई है भाई ये। नहीं नहीं जिंदा है। अरे मरी हुई है, ले छोटू। भाई बबलू ने कुत्ते को दे दी मछली। आई डोंट लाइक इट। गिरा दे, गिरा दे। और भाई ये जो मछली है ना, ये मरी हुई आई है, समंदर में से निकली है, इन लोगों ने यहाँ लाके रख दी है। कुत्ता भी मस्त है भाई ये। ये नहीं खा, ज्यादा खाने को मिल गया इसको, रुक जा। भाई ये कुत्ता भी मस्त है, यहाँ बीच पे घूम रहा है मस्त। भाई ये केकड़ा है जो कि यहाँ भाग रहा है, देखो कितना तेज तेज भागता है। देखो ये केकड़ा है, रुक जा, रुक जा, रुक जा। पानी में छिप रहा है भाई, मिट्टी में छिप रहा है, मिट्टी में छुप गया थोड़ा सा। तो भाई करतार ने उठा लिया इसको, करतार। भाई साहब रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग जो है खाना वाना तो खा ही चुके हैं। मुझे उम्मीद सही में नहीं थी कि हमको ऐसा खाना मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी रात को। लेकिन
अब जो है जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें लगभग 11 से 12 बजे में बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद में इस बीच पे हमको अंधेरे में अकेले रहना पड़ेगा भाई। तो क्या नाचो भाई? और वो अब मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते भाई। जेलीफिश जो है ना, उसने राहुल के हाथ पे पता नहीं क्या किया है, इसके हाथ में बहुत तेज जलन हुई है, उस वाले में भी, इसमें भी, और उसके बाद में हमको इसको विनेगर वगैरह लगाना पड़ा, तब जा करके इसको रिलैक्स मिला। विनेगर लगाया ना भाई। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, तो उठते हैं और चलते हैं अपना रात का जुगाड़ बंदोबस्त बैठाने, ताकि हम रात यहाँ पर निकाल पाएं। और गाइस यहाँ की जो रेत है ना, वो है वाइट सैंड, देखो। और भाई अब यही जो बीच है, यही हमारा बिस्तर है, तो इस पे ही हमको सोना है और रात बितानी है भाई। गुड नाइट, आपसे मिलते हैं सुबह, सोते हैं यहाँ पर, जैसे कैसे नींद आ जाएगी तो बढ़िया है, बाकी बिस्तर तो बहुत कंफर्टेबल है, खुश हो जाओ रे। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका बीच की सुबह में, जहाँ पर सुबह की धूप ही इतनी भयंकर चिलचिलाती हो रखी है भाई। उसके लिए मैं 2-3 बार तो पानी में जाके आ चुका हूँ यहाँ तक। और भाई हम लोग पता है रात को बीच पर पड़े रहे, देखो ये लोग तो अभी भी पड़े हैं, आलस में आ रखे हैं, लेकिन जैसे कैसे करके रात निकल गई, नींद नहीं आई भाई। और हमारे चैलेंज के अंदर अब जो है लगभग 5 घंटे बचे हैं, 19 घंटे हमने बीच पर बिता लिए सक्सेसफुली। और आज हमारे पास अभी तो करने के लिए कुछ नहीं है, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद देखते हैं कि आज हम क्या मज़े कर सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे। तो भाई हम लोग फिर से पानी में घुस चुके हैं, और इस बार हम पूरे वापस से घुस चुके हैं, और लहरें आ रही हैं आज खतरनाक खतरनाक भाई। भाई लगभग 2-2.5 घंटे पानी में नहाया, उसके बाद में हो गई प्रॉब्लम, मेरे पैर पे, दोनों पैरों पे यहाँ पे जेलीफिश ने काट लिया है, डंक मार लिया भाई साहब। अब हमारे चैलेंज में बचे हैं 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, हमने खाना वगैरह मंगवा लिया भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है पता है भाई। हमने मैगी बनवाई है, और मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने फिर मैगी बनवा दी, रात को मैगी खाई। भाई साहब हम लोग अब जो है बीच पर पड़े हैं काफ़ी टाइम से, लगभग 1/2 घंटा हमारे चैलेंज में बाकी है बस। चलो तुम लोगों को बनाने हैं सैंडमैन, जो अच्छा बनाएगा सैंडमैन उसको मिलेंगे 10,000 रुपये। जल्दी जल्दी, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है 3-2-1 गो। करतार वहाँ पे कुछ बना रहा है, 10 मिनट का टाइम है ओनली। अरे क्या बना रहे, तो अंदर गया इसमें करतार जो है वो माटी अंदर से निकाल निकाल के समंदर की, और कुछ बना रहा है। गाइस यहाँ पर 2 स्टारफिश और आ गई है भाई साहब। 30 सेकेंड, ये नहीं बनाना था। क्या बनाना था? सैंडमैन बनाना था, ये तो सैंड आर्ट हो गई। ये क्या है? ये चश्मा है भाई, बबलू ने बनाई है ये वाली पेंटिंग, आप देख सकते हो मिट्टी के ऊपर। और टाइम अप, बंद करो। इसने यहाँ पर ये बनाया क्या पहले ये बता। इधर देखो इसके 2 आंखें हैं, एक मुंह भी बनाया है, और 2 घास लगाई है, ऊपर 1 स्टारफिश लगाई है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। ओ भाई साहब, करतार ने क्या बनाया भाई, भाई इंसानी सी शेप बना दी है इसने। ये इसके आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, सर भी हैं, और बाल भी आगे रखे हैं। ये देखो, ये जगह है बीच में, दो पैर है, पैरों के बीच की जगह है भाई। क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। मोहित ने यहाँ पर जो है जैसा इसने स्नोमैन बनाया था ना, वैसा ही रेप्लीकेट कर दिया है यहाँ पर सैंडमैन में, जिसकी 2 आंखें हैं, 1 मुंह है, और नीचे शर्ट के बटन बंद हैं, और 2 हाथ भी ऊपर आ रखे हैं, और बाल भी हैं भाई। लेकिन इन दोनों में गाइस अगर मैं एक चीज चूज करूं, तो मैं चूज करूंगा करतार वाला। और करतार जी से 10,000 रुपए गाइस चैलेंज के अंदर, क्योंकि इसने बनाई है बहुत अच्छी मूर्ति भाई। अब गाइस हमारे चैलेंज के अंदर सिर्फ 15 मिनट बाकी है, और मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट में एक बार पानी में जाके आ जाते हैं आखिरी बार। भाई पैसे वैसे का मैच है क्या? ऐसे ही है, फ्रेंडली है। ओके हेड्स, भाई हम लोग अब थोड़ा सा क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे, और ये भाई लोग हैं जिनके साथ में हम खेल रहे हैं। हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट होने वाला है 5-7 मिनट में, पर हमने मैच स्टार्ट कर दिया, तो हम मैच अब छोड़ नहीं सकते, और पानी में भी नहीं गए, तो हो सकता है चैलेंज थोड़ा लंबा चला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे यार बढ़िया, अरे भाई साहब मार दिया, पकड़े, ओ बढ़िया Oh,
गाइज ऑफिशियली हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, 24 घंटे हो चुके गाइज, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है भाई, और हम जो है अभी फील्डिंग कर रहे हैं, फिर बैटिंग करेंगे, तो हम अभी छोड़ नहीं सकते गाइज, हम कुछ नहीं कर सकते। 24 घंटे हो गए अभी, 25-26 पता नहीं कितने होंगे, 23 रन बने हैं, 24 चाहिए जीतने के लिए हमको। हम करते हैं बैटिंग, यहाँ पे उतरता हूँ मैं। आउट हो गया भाई, क्या करूं। कितना 24 बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे 4 रन। ओ भाई साहब 6 रन, चलो खत्म मैच। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया इस चैलेंज के अंदर भाई, क्रिकेट भी खेल लिया, खाना पीना भी हो गया, स्विमिंग भी कर ली, स्पोर्ट्स भी कर लिए, सब कुछ कर लिया भाई, मैच भी जीत गए, सब कुछ मज़ेदार हो गया एकदम, और इतना मज़ा भाई किसी चैलेंज में नहीं आता है जितना आज इस चैलेंज में आया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा आया होगा, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।